हेलो फ्रेंड्स, मेटा वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर में ब्रांच इंस्ट्रक्शन, जो लास्ट बार हमारे रह गए थे इंस्ट्रक्शन के पार्ट में, और हम इंटरफेसिंग, ये दो चीजें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रांच ऑपरेशन। तो ब्रांच ऑपरेशन क्या है? जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कि ब्रांच मतलब शाखाएं जोड़ना, ये सब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जोड़ते हैं, तो वो आते हैं ब्रांच ऑपरेशन। अब ये होती दो टाइप की, एक अनकंडीशनल और एक कंडीशनल। अनकंडीशनल में क्या है, आपने लोकेशन डाल दी तो वो वहीं पहुंचेगा, कोई भी मैटर हो, कुछ नहीं, कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो कुछ भी हो, आपने लोकेशन डाल दी तो वो उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है तो वो न्यू लोकेशन पे पहुंच जाएगा। अब आता है कंडीशनल। अब कंडीशनल आपने डाल दिया है, कंडीशन डाल दिए, तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो तभी वो नई लोकेशन पे जाएगा, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो नई लोकेशन पे नहीं जाएगा। अब बात करते हैं अनकंडीशनल। अनकंडीशनल में क्या है, इसमें तीन होते हैं, जेएमपी मतलब जंप, कॉल मतलब कॉल, जैसे हम किसी को कॉल करना है, आरईटी मतलब रिटर्न। तो सबसे पहले आता है अनकंडीशनल। अब अनकंडीशनल में क्या है कि आपने एक एड्रेस डाला तो डायरेक्ट जो हमारा है इंस्ट्रक्शन है या कोई भी है, जो भी हमारी लोकेशन न्यू लोकेशन है, डायरेक्ट वहां पे हमारा जंप कर जाएगा। मान लीजिए हमारा पीसी अभी 1000 पे है, ठीक है, अब हमने जंप कुछ एड्रेस डाला, मान लो 3000 डाला, तो डायरेक्ट ये बिना किसी कंडीशन के 3000 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनकंडीशनल है। सो इसीलिए जो एड्रेस स्पेसिफाइड किया होगा डायरेक्ट ये वहां पे चला जाएगा। अब ये इसकी लेंथ 3 बाइट होती है, 3 इसमें मशीन साइकिल्स और 10 इसकी टीट से, मतलब 4 + 3 + 3, तो ये इसका डेटा। अब आता है कॉल। अब कॉल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो अब मान लीजिए कोई आपको बुलाने आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, तो आप करते हैं कि अब वो पेज याद रहे जहां तक आपने पढ़ लिया, तो आप एक पेन या कुछ रख देते हैं और कॉपी बंद कर देते हैं, ताकि जब आप वापस आए तो आपको पता रहे कि हाँ यहां से हमें स्टार्ट करना है। तो सेम ऐसे कॉल का है। कॉल क्या करता है, एक एड्रेस स्पेसिफाइड कर देता है, मतलब एक हमें सब रूटीन की तरह एक हमें ट्रीट कर देता है कि हाँ हमें जब हम वापस आए तो हमें वापस यहीं से करना है, मतलब एक हमें कॉल दे देता है कि हाँ यही। और इसके लिए क्या होता है, रिटर्न होता है। अब जैसे ही हम रिटर्न से वहां वापस जाएंगे तो कॉल एड्रेस मतलब क्या है, हमने अपना काम भी पूरा कर लिया, वापस आके देख भी लिया कि हाँ किस पेज पे थे, तो ये कॉल। और रिटर्न से हम वापस उस सब रूटीन पे आ रहे हैं, मतलब हम रिटर्न है, अब हमें वापस उस पेज पे आना है, तो ये रिटर्न से होगा। और कॉल से हमें ये पता चलेगा कि हमें किस पेज पे जाना है, और रिटर्न से हमें कैसे आना है, ये चीजें पता चलेगी। तो रिटर्न एक सब रूटीन से वापस कैसे आएंगे, मतलब जहां हम गए हैं वहां से वापस कैसे आएंगे, वो एक रिटर्न से, ठीक है। और कॉल जहां पे हमें जाना है वापस, वहां पे, ठीक है। इसकी लेंथ आप देख रहे हैं, 1 बाइट इसकी लेंथ है, 3 मशीन साइकिल्स और 10 यहाँ पे टी स्टेट्स हैं, मतलब फैच रीड रीड, क्योंकि वापस हम रिटर्न कर रहे हैं तो एक फैच साइकिल होगी, एक रीड साइकिल होगी और एक रीड साइकिल होगी। कॉल में क्या है, आप हमेशा ध्यान रखिए, कॉल एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें 6 फैच साइकिल्स यूज होते, मतलब एक फैच साइकिल में 6 टी स्टेट्स होती हैं। तो 6 + 3 + 3 + 3 + 3, मतलब 6 हमारी, इसलिए 5 मशीन साइकिल्स हैं और 18 टी स्टेट्स है, क्योंकि फैच में क्या है, 6 जो होती है हमारी फैच में टी स्टेट्स यूज होते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें डिले आ जाता है हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाने के लिए, इसलिए इसमें 6 टी स्टेट्स यूज होती हैं, ठीक है। जो एड्रेस है सप्लाइड है ऑल बेंचेस, ये मस्ट भी 16 बिट्स के होने चाहिए, ठीक है। अब आता है कंडीशनली। मान लो कोई कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन में क्या है, सबसे पहले इसकी लेंथ देखिए 3 बाइट, और इसमें ये 2 हमारा जो हो जाएगा, 2 मशीन साइकिल और 7 टी से। अब आप देखिए जेसी मतलब जंप इफ कैरी, अगर हमारा स्टेटस फ्लैग कैरी फ्लैग हमारा 1 है तो जंप कैरी, जंप नॉट कैरी जेएनसी, जंप इफ पॉजिटिव जेपी, जंप माइनस नेगेटिव, जंप इफ 0 जेजेड, जंप नॉट 0 जेएनजेड, जंप इफ पार्टी विन और जंप इफ पार्टी ऑड। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जब भी हम कंडीशनल में यूज करते हैं। आप ध्यान रखिए, जब भी हम कोई लूप में जा रहे होंगे ना, तो
ट्रू कंडीशंस कितनी भी हो सकती है, लेकिन फॉल्स कंडीशन एक ही होगी, क्योंकि जैसे ही आप फॉल्स किया, आप वापस से जहां पे आप रिटर्न आना है वहां पे रिटर्न आ जाएंगे। तो फॉल्स कंडीशन एक ही होगी लूप में, और ट्रू कंडीशन कितनी भी हो सकती है जब तक वो लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए, कंडीशनली में ये हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसी तरह आता है कॉल। अ कॉल में क्या है, 3 बाइट इसकी लेंथ हो जाएगी, 2 इसमें फेच साइकिल हो जाए, 9 मतलब 6 प्लस 3। अब इसमें फिर सेम वही है, बस सी आ जाएगा, सी एन सी, सी सी, जंप इफ कैरी, कॉल इफ कैरी, कॉल इफ नो कैरी, कॉल इफ पॉजिटिव, कॉल इफ माइनस, कॉल इफ जीरो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे, सेम कॉल के लिए यूज होंगे जब हमें कंडीशनली में जाना है। ठीक है, इसी तरह आता हमारा रिटर्न। अब इसमें क्या है, दो है, जब भी हमारा रिटर्न क्या है, जब भी हमारे कंडीशन फॉल्स होगी तो सिंपली ये होगा 1/1 और 6, मतलब एक ही साइकिल चलेगी, फेस साइकिल चलेगी और वापस से हमारा रिटर्न हो जाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो 1/2 उसकी लेंथ हो जाएगी, 3 हमारी मशीन साइकिल्स और 12 उसकी टीट से, मतलब 6 प्लस 3 प्लस 3। इसमें भी पहली फेस साइकिल जो है वो 6 की होती है, बट जब वो कंडीशनली हो। यहाँ पे भी सेम है, आरसी रिटर्न इफ कैरी, आरसी रिटर्न इफ, आरएनसी रिटर्न इफ नो कैरी, आरपी रिटर्न इफ पॉजिटिव, रिटर्न इफ माइनस। तो ये सारे क्या हमारे कंडीशनली में आ जाए। अब आता है कभी कभी हमारा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम पूछता है कि लूप हमारा कितनी देर चला है। हमने कोई इंस्ट्रक्शन जैसे कॉल है, जंप है, तो इसमें लूप हमारा कितनी देर चला। तो सबसे पहले क्या है, टोटल जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है ना हमारा, वो होता है हमारा TOL प्लस TWL। TOL मतलब क्या है, टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन जो आउटसाइड लूप, मतलब लूप के बाहर हमारा कितना टाइम लगा है वो, और TWL मतलब विद इन लूप हमारा कितना टाइम लगा है वो। अब इनको निकालते कैसे, TOL आउटसाइड लूप में कैसे होगा, 1/f क्लॉक, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी हमें उसकी, टीट्स कितनी है उसमें बाहर हमारे लूप के, और काउंट वैल्यू कितने बार ये काउंट हो रहा है वो हमें सब दे रखा होगा। तो हम इसको TOL हम काउंट निकाल लेंगे। अब आता है TWL, विद इन लूप निकालना है। तो इसमें दो चीजें हमें निकालनी हो, TCS और TCNS, मतलब व्हेन कंडीशन सेटिस्फाइड और व्हेन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। जब भी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होगी तो उसमें समझ लीजिए कि एक ही बार हो सकता है जब कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होगी वापस लूप आ जाए। कंडीशन सेटिस्फाइड भी कितने बार भी हो सकती है, हमारा लूप कितने बार भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो TCS प्लस TCNS को करेंगे तो वो टोटल विद इन लूप में जो हमारा टाइम लगेगा वो आ जाए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम आ जाएगा। ये हमें निकालने के लिए जब भी टोटल एग्जीक्यूशन टाइम पूछे तो हम ऐसे निकालें। ठीक है, अब कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी है हमारे जो, अब जैसे PCHL है, PCHL में क्या है, लोड द कंटेंट ऑफ HL पेयर इनटू PC। HL पेयर में कुछ भी हो वो डायरेक्ट हमें PC में डालना है। मान लीजिए HL में दिया है 3 0 0 और 0, ये HL पेयर का कंटेंट है, इसको डायरेक्ट हमें PC में लोड करा देना है, बस सिंपल इसका मीनिंग यही है। आप ये नोट हमेशा याद रखिए, नोट में हमेशा बोलता हूँ याद रखिए, कभी कभी ये IAS के पेपर में पूछ लिया जाता है कि 1 बिट अगर जंप है तो उसको क्या होता है PCHN, अगर 1 बिट कॉल है तो वो होगा RSCN। ठीक है, अब सेम SPHL, SPHL मतलब क्या है कि जो HL पेयर का कंटेंट है ना उसको कॉपी करके कहाँ डालना है, SP में। PCHL मतलब PC में, SPHL मतलब SP में। इसके बाद आता है XCSG मतलब एक्सचेंज, आप देख रहे हैं एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ डी HL पेयर, मतलब DE का जो भी कंटेंट है वो हमें HL पेयर से एक्सचेंज करना है, मतलब DE का HL में और HL का DE में। ये सिर्फ DE के लिए वैलिड है, ये B या और कोई अन्य रजिस्टर के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ DE रजिस्टर के लिए ही वैलिड है। इसके बाद आता है DAD डेड। अब डेड क्या है, हमारा रजिस्टर पेयर है उसको डायरेक्ट HL पेयर से हमें ऐड करना है। रजिस्टर पेयर मान लीजिए कोई भी BCD इनमें हमारा दिया हुआ है कोई भी डेटा, उसको HL पेयर से ऐड करना है, और जो रिजल्ट स्टोर करना है वो HL पेयर में ही करना है। इसमें सिर्फ कैरी फ्लैग ही अफेक्टेड होता है, आप याद रखिए, क्योंकि ऐड है तो कैरी फ्लैग तो अफेक्टेड होना ही होना है। अब देखते हैं इंटरफेसिंग डिवाइस। सबसे पहले इंटरफेसिंग डिवाइस होता क्या है, एक्चुअली क्या है, जब भी माइक्रो प्रोसेसर को किसी भी एक्सटर्नल या पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करना है,
जैसे मान लीजिए हमारा कीबोर्ड है, प्रिंटर है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कोई भी इनसे कनेक्ट करना है, तो जिस वजह से जो डिवाइसेस से हम इन्हें कनेक्ट करते हैं उनको इंटरफेसिंग डिवाइसेस कहते हैं, और जो कनेक्शन होता है उनको हम इंटरफेसिंग कहते हैं। समझे? तो डिवाइसेस इंटरफेसिंग डिवाइसेस और कनेक्शन इंटरफेसिंग। ये देखिए आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये बीच में इंटरफेसिंग डिवाइस है, यहाँ पे हमारी कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, कोई भी मान लीजिए कीबोर्ड है, माउस, तो इसे कनेक्ट जैसे करेंगे ना, ये जो कनेक्शन हम दे रहे हैं, ये डिवाइस जो हम कर रहे हैं, इनको इंटरफेसिंग डिवाइसेस कहते हैं, और जो इसमें प्रोसेस हो रही है उसको इंटरफेसिंग कहते हैं। अब क्या है, इंटरफेसिंग के कई कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आता है ट्राई स्टेट बफर्स। बफर्स क्या है, बफर्स में तीन टाइप के हम लॉजिक दे सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले लॉजिक जीरो है, लॉजिक वन है, और हाई इम्पीडेंस है। जब भी हाई इम्पीडेंस होगा मतलब क्या है, करंट हमारा जीरो आ जाएगा, और हमारा क्या है आउटपुट है वो तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और आउटपुट ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट से तुरंत ही डिस्कनेक्ट होगा जब भी हाई इम्पीडेंस होगा। जब भी हमारा लॉजिक जीरो होगा तो जो ट्राई स्टेट बफर है वो एक्टिव होगा, और लॉजिक वन है तो वो इनएक्टिव होगा। ये याद रखिए हमेशा, ट्राई स्टेट बफर जीरो है तो एक्टिव, वन है तो इनएक्टिव। अब आता है डिकोडर। डिकोड मतलब किसी चीज को डिकोड करना है, तो इसमें क्या है, आप मैं शॉर्टकट बताता हूँ, इसमें क्या है इनपुट कम होंगे और आउटपुट ज्यादा होंगे। मतलब क्या है, अब जैसे टू इनपुट है ना, तो टू की पावर एन, एन किया, एन यहाँ पे कितना है दो, तो टू की पावर एन मतलब टू की पावर टू मतलब फोर, तो फोर आउटपुट हो जाएंगे और दो हमारे इनपुट। आप टेबल से भी देख सकते हैं, Y3, Y2, Y1, Y0, ये हमने ऐसे लगा लिए, कितने 1110 हो सकता है, 11101, इस टाइप की हमारी कंडीशंस आ सकती हैं। तो ये क्या है डिकोडर, मतलब क्या है, इसमें इनपुट कम होंगे और आउटपुट ज्यादा होंगे, क्योंकि हमें क्या है डिकोड करने के लिए ज्यादा आउटपुट्स आएंगे। कितने टाइप से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। अब डिकोडर का उल्टा सेम है इनकोडर। इनकोडर में क्या है, इनपुट्स हमारे ज्यादा होंगे लेकिन आउटपुट हमारे कम होंगे। सेम है, यहाँ पे टू की पावर एन लगाएंगे, यहाँ पे क्या है आउटपुट में टू की पावर एन लगाएंगे, तो हमारे जितना भी होगा वो इनपुट लाइन हमें बता देगा। एन यहाँ पे कितना है तीन, तो टू की पावर थ्री मतलब एट, तो एट हमारी ये इनपुट लाइन्स आ गई हैं। सेम आप टेबल से भी देख सकते हैं, 001 है, फिर 11, फिर 111, इस टाइप से हमने ये किया 10, फिर 11, इस टाइप से ये पूरा एट हमारा बन जाएगा। तो इनकोडर मतलब क्या है, इनपुट ज्यादा होंगे और आउटपुट हमारे कम होंगे। अब आता है लैच। लैच आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी लैच से अच्छा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, लैच का जो काम है ना, एक होल्ड मतलब डेटा को होल्ड करने का काम है। अब लैच करता कैसे काम है, मान लीजिए हमारा कोई एड्रेस है 5000, ठीक है, तो 50 तो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, ये अब क्या है, लैच हमारा क्या करता है, कुछ टाइम के लिए ना जो हमारा एड्रेस की लोअर बाइट है उसको होल्ड कर लेता है। एड्रेस की लोअर बाइट को जैसे ही ये होल्ड करेगा, ये मान लीजिए 00 यहाँ पे ये आ गया, ये जैसे हमारा एड्रेस होल्ड किया तो हम डेटा अब सप्लाई कर सकते हैं। अब डेटा सप्लाई कर सकते हैं तो जो हमारी जो तो नीचे की लाइन है मतलब D7 टू D0 है, उनको हम डेटा लाइन की तरह यूज कर सकते हैं। जो ये D7 टू D9 है ना, इनको हम डेटा की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम इससे मेमोरी से डेटा भेज भी सकते हैं और डेटा ले भी सकते हैं। तो जब भी हमारा ALE 1 होगा तो ये दोनों एड्रेस की तरह काम करेंगे। जैसे ही ALE यहाँ पे जीरो हुआ, ये डेटा की तरह काम करने लगेगा, और जो एड्रेस है लोअर बाइट का, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ये लैच होल्ड कर लेगा ताकि हमारा डेटा इसमें चला जाए। अब डेटा क्या है, बाई डायरेक्शनल है, मतलब डेटा हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है कि दोनों तरफ से डेटा आ जा सकता है। ठीक है, एड्रेस बस हमारी यूनिट डायरेक्शनल है, एक ही बार एक ही जगह जा सकती है। ठीक है, लैच क्या है, हमारा डेटा को होल्ड कर लेगा, एड्रेस को लोअर बाइट को होल्ड कर लेगा ताकि हम डेटा को ट्रांसफर कर सके। तो इसीलिए 16 एड्रेस लाइन में क्या है, 8 एड्रेस लाइन को हम डेटा की तरह यूज कर सकते हैं, बाकी 16 तो एड्रेस लाइन की तरह यूज कर ही सकते हैं। अब इसके बाद आता है मेमोरीज के पार्ट। मेमोरीज के दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी।
बेसिकली क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इतना यूज नहीं आता है हमारे एग्जाम्स के थ्रू, लेकिन प्राइमरी मेमोरी हमेशा बहुत यूज है। इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट। तो दो पार्ट में होता है प्राइमरी, रैम और रोम। रैम में क्या, स्टैटिक डायनामिक, और रोम में आप देख रहे हैं एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। आइए सबसे देखते हैं रैम। अब रैम का क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी, रैंडम एक्सेसिस मेमोरी। मतलब क्या है, हम इसमें रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं इसमें, रैंडम एक्सेस में। ये वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब थोड़े टाइम के लिए भी हो सकती है, ज्यादा टाइम के लिए वोलेटाइल। ये रैंडम एक्सेसिस प्रॉपर्टी है, जैसे आप कुछ भी ट्रांसफर करेंगे, कुछ भी आप सिग्नल देंगे तो ये तुरंत एक्सेस होता है। तो इसमें यूजर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन को राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। तो ये रैम, रैम दो टाइप्स के होते हैं। अब आता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक मतलब क्या है, हमारा क्या है, जब भी पावर सप्लाई ऑन होगी ना तो डेटा हमारा स्टोर्ड, इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है वो होती रहेगी। अब मान लीजिए जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हमने कोई टैब खोल रखी होती है, अब जैसे ही हमने पावर सप्लाई बंद की तो वो टैब भी बंद हो जाती है। तो उसी तरह से जब तक ये पावर सप्लाई ऑन रहेगी तो हमारी ये चलते रहेगा, हम उसमें एक्सेसिव हम कुछ भी लिख सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। ये स्टैटिक रैम कॉस्टलियर है एज कम्पेयर टू डायनामिक। ये पावर कंज्यूम करता है क्योंकि जब तक ये ऑन रहेगा तब तक ही काम करेगा। रिफ्रेशिंग सर्क्यूटरी इसमें कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये हाइयर स्पीड होती है डायनामिक रैम से। ठीक है, ये फास्ट होता है किससे, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या, थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन ये जब तक आप इसको ऑन रखेंगे पीसी को तब तक ये चलता रहेगा। ये इंफॉर्मेशन होल्ड करता है कहाँ पे, इन अ फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप सर्किट में, जो टू पॉज कपल इन्वर्टर में इसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो होल्ड होता है। ठीक है, याद रखिए। अब आता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम में क्या है, पीसी ऑन हो या ना हो लेकिन ये डेटा क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है। और इसके लिए क्या, पीसी ऑन होना चाहिए ऐसा, इवन दो मतलब पीसी ऑन हो ना, लेकिन डेटा क्या, बहुत छोटे टाइम के लिए स्टोर रहता है। जैसे कैश मेमोरी मान लीजिए आप, वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती है। जैसे आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती है, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया तो वो इंस्ट्रक्शन हट जाता है। तो इसी टाइप से डायनामिक रैम, ये बहुत ही जनरली क्या है, 2 मिली सेकेंड तक रिफ्रेश कर देता है हमारा डेटा। जैसे आप रियल टाइम डेटा में, जैसे आप पावर इंजीनियर्स हैं, रियल टाइम स्काडा में क्या होता है, हमारा रियल टाइम डेटा चलता है, तो पहले वाला डेटा को हमें खिसका देते हैं, अगला डेटा आ जाता है। तो इसी तरह ये रियल टाइम पे हमारा बेस होता है, पहले वाला डेटा स्टोर्ड रहता है लेकिन क्या है, बहुत ही लेस टाइम के लिए रहता है। ठीक है, ये लेस पावर हमारा कंज्यूम करता है और ये लार्ज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इसमें नीडेड होती है। और इसमें क्या है, लेस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं पर मेमोरी सेल, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए स्टोर होना है तो बहुत ही कम ट्रांजिस्टर हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रोम। रोम मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या है, हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, मतलब हम इसमें क्या है, लिख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। मतलब क्या, एक बार डेटा फीड हो गया तो हो गया, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। इट्स अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि रैंडम एक्सेसिव मेमोरी कौन है, रैम या रोम? तो दोनों ही मेमोरी है ना, वो रैंडम एक्सेसिव है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए कि एक्सेसिव मेमोरी कौन कौन सी है। तो इट्स ऑल्सो पोसेसिव रैंडम एक्सेसिव मेमोरी। ठीक है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन केवल केवल पढ़ सकते हैं ऑपरेशन के टाइम, हम उसमें रिटर्न नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी लिख नहीं सकते, याद रखिए। अब रोम 3 टाइप्स के होते हैं, आजकल तो कुछ नए भी आ गए हैं रोम। इसमें आ जाता है मास प्रोग्राम। मास प्रोग्राम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आईसी है मैन्युफैक्चरर हमारे तैयार कर रहा है, तो उसमें क्या है, कुछ ऑपकोड डालने होते हैं उनकी, कि हाँ ये ऑपकोड इसके लिए है, तो वो समझने के लिए आईसीस को। तो ये क्या है, एक बार इसमें हमारा इंस्ट्रक्शन फीड हो गए, एक बार लिख गए तो हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको मास प्रोग्राम, मतलब हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते एक बार हो। इसी तरह पीआरओएम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, यूजर से डिसाइड होता है। अब मान लीजिए सी का कंटेंट है, मान लीजिए यूजर ने कुछ सी में ड्राइव में कुछ डेटा डाला हुआ है, तो एक बार इसने प्रोग्राम कर दिया, एक बार इसने प्रोग्राम बना लिया, तो फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो प्रोग्राम फिर उसी तरह ही रन करेगा, दूसरी तरह से रन नहीं करेगा। ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। एक या ये कभी कभी ईएस के पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये एग्जाम्पल किसका है,
तो याद रखिए पीरोम का 74H2287। इसी तरह आता ईपी रोम। अब क्या है, रोम में क्या है, वैसे तो इरेजिबल नहीं कर सकते, लेकिन अब नया आ गया इरेजिबल पीरोम। मतलब अगर हमें कुछ प्रोग्रामल है उसको हमें इरेज करना है तो हमें ईपी रोम का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हाई इंटेंसिटी की शॉर्ट वेव अल्ट्रावाइट हम उसमें डालते हैं तो कम से कम अबाउट 20 मिनट्स में वो इरेज हो जाता है। ये थोड़ा चीप भी है, रिलायबल भी है, ये मॉस टेक्नोलॉजी पर यूज होता है। बेसिकली क्या है, इसका एग्जांपल देखिए, इंटेल 87C257। अब आ गया है डबल ई पी रोम। अब क्या ये इलेक्ट्रिकल इरेजिबल है। अब मान लीजिए आप 20 मिनट वेट नहीं कर सकते, आपको बहुत जल्दी चाहिए, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल रेस के थ्रू ये इरेजिबल कर देता है। ये बहुत ही जल्दी करता है, इसमें कोई भी मतलब यूजुअली ये 10,000 टाइम, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका आप एग्जांपल देखिए, ई डबल पी रोम, मतलब इंटेल का आप देख रहे हैं ये 2816 जो आजकल नया आ गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स की आप देखते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं। अब मान लीजिए पूछा है कि हमें कुछ भी, हमें डेटा दिया हुआ है, कैपेसिटी दी हुई है टोटल, या हमें इतनी मेमोरी, हमें कोई टोटल मेमोरी दी हुई है, उससे हमें डिजाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ चिप्स डिजाइन हो सकते हैं और कितनी कैपेसिटी के हो सकते हैं। उसने हमें कैपेसिटी दी है, 1 KB की चाहिए, 2 KB की चाहिए, कितनी कैपेसिटी की हमें चिप चाहिए वो हमें बता देगा। तो अगर नंबर ऑफ चिप्स हमें निकालनी है तो कितनी मेमोरी हमें दी हुई है टोटल और कितनी कैपेसिटी की हमें चाहिए, तो अपॉन में ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए, अब उसने दिया है 256 GB RAM दी हुई, ठीक है, चिप्स दी हुई है और रिक्वायर्ड टू डिजाइन 8 KB। अब हमें 8 KB को डिजाइन करना है 256 × 8 में। मतलब क्या है, हमें 256 × 8 की जो हमें कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी की चिप बनानी है 8 KB से। तो सबसे पहले 8 KB है ना, इसको बाइट में कन्वर्ट किया तो 1 KB मतलब 1024 बाइट। अब बाइट को बिट्स में किया तो × 8, ये हमारा बिट्स में होगा क्योंकि ये बिट्स में दिया हुआ। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 चिप्स आ जाएगा। तो टोटल 32 चिप्स रिक्वायर्ड है हमें 256 × 8 कैपेसिटी की चिप बनाने के लिए, कितना हमें दिया था 8 KB से। अब आता है मेमोरी इंटरफेसिंग हमें निकालना है, ठीक है। तो n − x = y, यहाँ पे n क्या है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर दिया होगा उसमें टोटल एड्रेस लाइन जितनी होगी वो n, और x क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन जितनी भी रिक्वायर्ड हो रही होंगी इंटरफेस के लिए वो x है, और y जितने भी डिकोडिंग लॉजिक के लिए हमें लाइन यूज करनी होगी वो y हो जाएगी। आई न्यूमेरिकल देखते हैं। अब मान लीजिए 1 KB हमें रैम दिया हुआ, ठीक है। अब पूछा है कि कितनी लाइंस इसमें डिकोडिंग के लिए यूज हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए 8085 है, तो n तो हमारा यहाँ पे 16 हो गया है क्योंकि ये माइक्रो 8085 माइक्रोप्रोसेसर। अब x निकालना है, 1 KB मतलब क्या है, 2 की पावर 10। अब 10 मतलब n, स्मॉल n 10 है, मतलब x हमारी जो है लाइन, x एड्रेस लाइन ही रिक्वायर्ड है। अब n − x = y, मतलब 6 जो लाइंस होगी वो हमारा डिकोडिंग लॉजिक के लिए यूज होंगी। अब आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है, एंडिंग एड्रेस क्या है, या एंडिंग एड्रेस दिया हुआ है तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। तो कभी कभी सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन आप देख लीजिए मेमोरी चिप में कितनी कैपेसिटी है, उसकी एड्रेस लाइंस कितनी, ठीक है, फिर उसी हिसाब से। अब मान लीजिए चार उसके, मान लीजिए आपको 14 16, मान लीजिए आपके पास 12 है, चार आपके पास लॉजिक लाइन है, वो लॉजिक की यूज हो रही है, 12 आपकी एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है। तो अब 12 मतलब क्या है, 12 को आप किसी तरह से भी सेट कर सकते हो, या तो 000 स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए तो 00 पुट कर देंगे, और अगर हमें एंडिंग एड्रेस चाहिए तो FFF, क्योंकि सबसे लास्ट में FFF ही आता है। ये देखिए आप एग्जांपल से देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये पूछा है कि 4 KB रैम दिया हुआ 8085, स्टार्टिंग एड्रेस हमें दिया है 3D98। अब इसका एंडिंग एड्रेस पूछा, सबसे पहले x निकाल लीजिए 12, 4 KB है ना, तो 2 की पावर 12, तो 12 आ गया हमारा x, हमारी कितनी एड्रेस लाइन रिक्वायर हो रही है, 12 रिक्वायर हो रही है। n क्या है, टोटल एड्रेस लाइन कितनी है 8085 में, 16। y आ गया 4,
तो लाइन क्या है, चार लाइन तो हमारी फिक्स हो गई है, लेकिन जो हमारी बची 16 में से चार, मतलब 12 लाइन है ना, उनको हम कितने भी लॉजिक से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें स्टार्टिंग एड्रेस निकालना है तो 0 0 0 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे एंडिंग एड्रेस पूछा हुआ है, स्टार्टिंग हमें दिया हुआ है, तो क्या है 12 की जगह हमने एफ 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 कर दिया। मतलब क्या है, वन 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 ऐसे आप डालेंगे ना, वन 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 वन, तो ये एफ बन जाएगा, ये एक एफ बन जाएगा और ये एक एफ बन जाएगा, तीन एफ आ जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग एड्रेस में इनको ऐड करेंगे ना, तो ये जो एड्रेस आएगा ये हमारा एंडिंग एड्रेस आ जाएगा। अब मान लीजिए ये एंडिंग एड्रेस दे रखा होता, अब पूछा जाता स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, तो हमें क्या है ज्यादा से कम में जाना है ना, तो इसको हमें माइनस कर देना है। आप याद रखिए सबसे पहले कि कितनी लाइन हमें डिकोड के लिए यूज हो रही है, वाई निकाल लीजिए, उसी हिसाब से आप पुट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया है। द इंस्ट्रक्शन जंप नॉट कैरी 16 बिट रिफर्स टू जंप बिट एड्रेस इफ। अब जीएनसी मतलब क्या है, जंप इफ नॉट कैरी, तो कैरी फ्लैग इज रीसेट, जब तक कैरी फ्लैग हमारा रीसेट नहीं होगा तब तक ये हमारा जंप नहीं करेगा। मतलब ये अनकंडीशन है, जब तक हमारा ये कैरी फ्लैग रीसेट नहीं होगा तब तक ये हमारा हमारा जंप नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी सही है। अब आता आरईटी। आरईटी मतलब क्या है, रिटर्न। मैंने आपको बताया अभी पहले, रिटर्न एग्जीक्यूट में क्या होता है, जब भी अनकंडीशनल होता है हमारा रिटर्न, तो फैच रीड रीड, मतलब एक तो फैच होनी ही होनी है, दो हमारी रीड साइकिल्स होती है इसमें, तीन हमारी हमारी मशीन साइकिल्स यूज होती है। फैच इसमें क्या है, सिक्स का होता है, और तीन हमारी रीड, मतलब अगर हम अनकंडीशनल में देखेंगे तो फैच हमारा क्या होता है, फोर का होता है, और तीन इस तरह से 10 हमारी टीट से यूज होती है, एक फैच एक रीड और एक रीड, तो ऑप्शन सी सही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के फॉर्म में जरूर बताइए, और इसमें आपको कोई भी डाउट आए या कोई भी इम्प्रोवाइजेशन लगे तो आप हमें कमेंट के फॉर्म में जरूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो सके, सब्सक्राइब हो सके, शेयर हो सके, आप कीजिए इसको, और हमारे मेड वे के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।